तो उम्मीदों पर हालांकि कह रहे हैं कि उम्मीद हमें कम है, लेकिन हाँ हम बातचीत के लिए जा रहे हैं और कोशिश यही होगी कि सरकार को हम भी समझा पाए, सरकार हमें किस तरह से समझाती है ये फिलहाल किसानों का कहना है। रवाना हो चुके हैं, 2 बजे से बैठक होनी है और देखिए मेरे साथ कई सहयोगी और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। मेरे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे जो कि विज्ञान भवन पर मौजूद हैं जहां पर ये बातचीत आज होनी है 7वें दौर की, वैभव परमार किसानों के बीच गाजीपुर बॉर्डर से और डॉक्टर एमजे खान चेयरमैन हैं आईसीएफए के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। डॉक्टर एमजे खान, नुकसान किसानों का, हमारे अन्नदाताओं का, फसलों का नुकसान, देश का नुकसान हो रहा है, समाधान का रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि आज 7वें दौर की यह अंतिम बातचीत होगी? देखिए, दो जो बड़े मुद्दे हैं, एक है जो किसानों की तरफ से उठाया जा रहा है जिसको मैं ज्यादा देख रहा हूं एज ए बार्गेनिंग चिप कि तीनों लेजिस्लेशन को विड्रॉ किया जाए, स्क्रैप किया जाए। अब अगर मान भी लो कि सरकार इस एक्सट्रीम स्टेप उठा लेती है तो जो इन तीनों बिल्स के बनाने की प्रक्रिया इतनी लंबी चली है और उससे पहले इतने लंबे वक्त तक एक्सपर्ट ग्रुप इसकी डिमांड करते रहे हैं, तो इसमें जो फायदे निहित हैं किसानों के लिए, किसानों को उससे हाथ धोना पड़ेगा। तो क्या ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे किसान भाई, जिनसे हमारी पूरी हमदर्दी है और इसलिए भी है कि इतनी कड़ाके की ठंडक में जो भी आपकी समझ है या इतराज है उसको लेके आप बैठे हुए हैं, तो कहीं पूरे देश के किसानों को जो प्रोटेस्ट में अभी शामिल नहीं है उनको जो फायदे मिल रहे हैं तीनों लेजिस्लेशन से उसे हाथ धो बैठेंगे। तो जो मेन डिमांड्स हैं, मेन डिमांड्स में सभी सरकार मानने के लिए अभी तक तैयार हो चुकी है सिर्फ एक चीज के, और वो है क्या एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर पर भी बाध्यकारी बनाया जा सकता है। मुझे लगता है पिछले एक दिनों से जिस पर चर्चा हुई है और अगर चर्चा हुई है तो इसमें रास्ते भी बन सकते हैं अगर किसान इस बात पे तैयार हो कि एक कदम सरकार और बढ़े, चीजें माना है प्राइवेट सेक्टर वाला मान लेती है और एक कदम किसान पीछे हटे तो मुझे पूरे देश के किसानों के लिए फायदे का प्रयास होता है। जो एक्ट बने हैं सिर्फ इसमें नुकसान ही नुकसान ऐसा नहीं है, कंसर्न्स हो सकते हैं, किसानों के एतराज हो सकते हैं, समझ जिसको बोलते हैं डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन जो एक्सट्रीम पोजीशन लेने वाली बात है, एक्सट्रीम पोजीशन सरकार की तरफ से ये होती है कि मैं एक भी बदलाव नहीं करूं, और एक्सट्रीम पोजीशन किसानों की तरफ से हो सकती है कि हम तीनों बिल्स को स्क्रैप करें। तो बीच का रास्ता निकलने के बहुत नजदीक हम लोग हैं जी। जैसा राकेश जी कह रहे थे कि ये बात सही है कि अगर बिल्कुल सरकार फ्लेक्सीबिलिटी नहीं दिखाती इसमें तब तो सब तरीके के प्रोटेस्ट जायज थे, लेकिन जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात दिखाई जा रही है और 6वें-7वें राउंड की बातचीत हो रही है तो मुझे लगता है टेबल पे बैठ के अपने जो अप्रेंसेंस हैं, कंसर्न्स हैं, जो आशंकाएं हैं उसके बारे में बात करें, आगे का रास्ता यही कोशिश भी होगी आज।